हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात कर रहे हैं ये जो एलकेम का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और इस जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ जो है सो कॉन्सेप्ट देख चुके थे, लेकिन अभी जो है सो हम लोग ये देख रहे हैं प्रिवेंशन रिडक्शन रिएक्शन। और यह जो प्रिवेंशन रिडक्शन रिएक्शन है, इस प्रिवेंशन रिडक्शन में हम लोग बात करेंगे कि यह किस तरह से जो है कार्बोनाइल कंपाउंड का कन्वर्जन जो हो रहा है वह एल्केन में किस तरह से हो रहा है। मतलब कहने का मतलब यहाँ से यह कि किस तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड से हम एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं, इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग यूज करते हैं और यह मैकेनिज्म इसका क्या होगा, तो इसके बाद अभी हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे देखिए कि यह डेफिनेशन में क्या कहता है प्रिवेंशन रिएक्शन में, तो यहाँ से लिखते हैं कि व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विथ रिड्यूसिंग एजेंट ZnHg in the presence of foam KCl to give alkane। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वह ZnHg है और इसके रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके यह जो कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वह एल्केन का प्रिपरेशन करता है, लेकिन यह जो है सो कॉम के सीएल के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो इस तरह से जो है सो इसका डेफिनेशन है। लेकिन अब रिएक्शन की यदि बात करते हैं तो रिएक्शन में यहां से देख सकते हैं जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। अब यह जो है इसको हम ZnHg के साथ रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम के सीएल। कॉम के सीएल के साथ रिएक्शन करा के यहाँ से ये इसका फॉर्मेशन जो होगा आर सी एच टू आर और यहाँ से ये बनेगा। इसी तरह से यदि मान लिया जाए कि और भी एग्जांपल ले सकते हैं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड और सी एच थ्री, यानी यहाँ पर जो है सो हम कहेंगे कि यह जो है एसीटोन ले रहे हैं और यह एसीटोन में यहाँ से जो है सो ZnHg के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम के सीएल। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा CH3 और ये जैसे CH2 CH3 बन जाएगा। तो इस तरह से जो है सो यहाँ पर जो है सो यदि मान लिया जाए कि हम यहाँ से और भी कंपाउंड ले लें जैसे PH और C डबल बॉन्ड हो और यहाँ से CH3 और इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से जो है क्या बनेगा हमको, तो यहाँ से जो है सो एल्केन दे देगा, यानी कि कहने का मतलब pH और CH2 और यहाँ से बन जाएगा CH3। तो इस तरह से इसका जो है रिएक्शन होता है। लेकिन अब इसका जो है मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म जो है किस तरह से इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा और किस तरह से किसका अटैक कहाँ पर होगा और इसका प्रोडक्ट जो है एल्केन जो बनता है वो किस तरह से एल्केन बनेगा। तो अब जो है इसका हम लोग जो बात करते हैं इसका मैकेनिज्म का कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है जो हमने रिएक्शन लिया था आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, यानी कि यह जो है सो इसको हम लोग कहेंगे कि यह जो है सो कीटोन है और यह जो कीटोन जो है इस कीटोन में अब इसको जो है यदि हम ZnHg के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम के सीएल, तो यहाँ से जो है प्रोडक्ट जो हमको बनेगा तो बनेगा RCH2 और यहाँ से R बनेगा। इसका मतलब है कि इसका मैकेनिज्म की यदि बात हम लोग करें तो इसका मैकेनिज्म देखिए इसको क्या लिखते हैं, यहाँ से जो है सो लिखेंगे R C डबल बॉन्ड O और R। अब देखिए यहाँ पर जो है ये CO ग्रुप में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा और अब जो है इसको हम H+ और H+ में मतलब यहाँ से ले लेंगे HCl। यदि कॉम जो है यहाँ से कॉम HCl यदि लेते हैं तो यह HCl जो है सो ये ब्रेक करेगा दो पार्ट में,
एक जो होगा H प्लस और दूसरा Cl माइनस, तो यही जो है सो H प्लस यहाँ पर हम ले रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही ये जो बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब अब यहाँ से जो है सो हम देख सकते हैं R और C, यहाँ से जो सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पर जो है सो ले ले R, अब जो है सो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए इसका अटैक जो है इस स्टेप को हम और आगे यदि हम देखें तो यहाँ से देख सकते हैं कि यह जो है इसका अटैक जो है ये इसका अटैक इसके ऊपर होगा, तो यहाँ से हम लिख देंगे एच और ये जो है पॉजिटिव चार्ज। अब जो है इसके बाद अब इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है तो इसको टू इलेक्ट्रॉन के साथ मतलब जिंक को जो है जिंक प्लस टू यहाँ से होगा, यानी जिंक मेटल है इसको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर जो है निगेटिव चार्ज बनेगा, यानी हम लिख सकते हैं आर सी और यहाँ से ओ एच होगा आर और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। अब इसके बाद फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं एच प्लस, यह जो है किसके प्रेजेंस में तो कॉन्क एसीएल के प्रेजेंस में, यहाँ से इसका अटैक इसके ऊपर होगा तो यहाँ से बनेगा क्या आर और यहाँ से लिखेंगे सी एच आर और यहाँ पर ओ एच। अब जो है इसके बाद अब देखिए कि इसके ऊपर जो है सो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो जब इसको एक स्टेप और मैं यहां से लिख दूं आर सी एच और आर यहां पर जो है ओ एच, यहां से दो लोन पेयर जब होगा तब ऐसे सिचुएशन में फिर यहां से हम लिख सकते हैं एच प्लस और ये जो कॉन्क एच सी एल के प्रेजेंस में इसका अटैक जो है इसके साथ होगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसके लिए हम जो लिख सकते हैं यहाँ से देखिए R और सी एच आर, अब यहाँ पर O एक तरफ H एक तरफ H और यहाँ पर जो है सो देखिए तो एक लोन पेयर तो होगा ही होगा और इस लोन पेयर के साथ यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा, क्योंकि यह ऑक्सीजन का एक लोन पेयर जो है चूंकि इस हाइड्रोजन के पास जो है प्रोटॉन के फॉर्म में है, इसके ऊपर कोई मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, तो यानी पॉजिटिव चार्ज है तो इस यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, तो यह जो है H प्लस जो है इसके इसके इलेक्ट्रॉन के साथ यह जो है बॉन्ड बना लेगा, तो जब बॉन्ड बनेगा तो फिर यह ऑक्सीजन पर अपना इसका इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा, तो इस डिफिशियंसी के लिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देंगे और जब यह पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऐसे सिचुएशन में यह जो चाहेगा ऑक्सीजन के अपना जो इलेक्ट्रॉन जो लॉस किए हैं उस इलेक्ट्रॉन को मेंटेन कर ले, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से यह जो है H2O जो है या इसका इलेक्ट्रॉन भी लेकर निकल जाएगा, तो जब यहाँ से निकलेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है सो हम लिख सकते हैं R और सी एच आर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और देखिए तो यहाँ से ये H2O के फॉर्म में यहाँ से निकल गया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ से फिर जो है लिख सकते हैं कि जब ये बना तो अब थोड़ा सा और इसमें देखिए कि इसमें टू इलेक्ट्रॉन और यानी कि Zn प्लस टू, तो इस दो इलेक्ट्रॉन का अटैक इसके ऊपर होगा तो यहाँ से बनेगा R और यहाँ से बनेगा सी एच निगेटिव और फिर बन जाएगा R। अब इसके बाद अब यहाँ से फिर जो है एच प्लस के साथ हम रिएक्शन करा दें द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क एच सी एल, तो इसका अटैक जो है इसके ऊपर होगा, यहाँ से बनेगा क्या आर सी एच टू और यहाँ से बन जाएगा आर, यानी कि यह जो है सो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, तो यानी इस तरह से इसका जो है मैकेनिज्म होगा। तो यह जो रिएक्शन जो हुआ इस रिएक्शन में क्लेमेंसेंस रिडक्शन रिएक्शन में जो इसका जो है सो आपको ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है इस कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कीटोन लिए हैं, तो यहाँ पर कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड जब लेंगे तो ऐसे स्थिति में जो है सो यह एल्किन का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन यह जो रिएक्शन जो होता है वो सुटेबल होता है एल्किन का प्रिपरेशन फ्रॉम कीटोन, लेकिन जब भी एल्डिहाइड की बात करेंगे तो एल्डिहाइड में इसका प्रोडक्शन तो एल्केन का करता है लेकिन वो पुअर यील्ड होता है, बेहतर इसके लिए सुटेबल नहीं होगा, तो यहाँ से जो है हम कह सकते हैं कि यह क्लेमेंसेंस रिडक्शन रिएक्शन जो होगा ओनली एंड ओनली सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कीटोन, तो यहाँ से जो है हम लोग इस पॉइंट को भी लिख लेंगे नोट कर लेंगे थोड़ा सा, देखिए कि इसके लिए जो है हम लोग यहाँ से एक दो पॉइंट नोट करेंगे
यहां से लिख सकते हैं दिस रिएक्शन इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कीटोन बट नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्डिहाइड एल्डिहाइड से एल्केन के प्रिपरेशन के लिए यह जो है रिएक्शन सुटेबल नहीं होगा। तो अब यहां से हम लोग देख सकते हैं जैसे CH3 और यहां पर C डबल बॉन्ड रो ले लें CH3 और इसको यदि हम रिएक्शन करवा दें यहां से ZnHg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl तो यहां से बन जाएगा CH3 CH2 और CH3 यानी कि यह जो है सो प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा और यह जो है सो वेटर इल देगा। तो यहां से लिख सकते हैं वेटर इल। अब इसके बाद या जो है सो हम और भी लिख सकते हैं गुड इल्ड भी लिख सकते हैं इसको चाहे लिख सकते हैं चलिए वेटर इल्ड। यदि मान लिया जाए यह जो है कीटोन और कीटोन में यदि बात करें तो एसीटोन ले होगा इसका बॉम्ब को अपना जो करेक्टरिस्टिक नेम जो हुआ एसीटोन। अब यदि CH3 और CH2 C डबल बॉन्ड हो H यानी एल्डिहाइड और इस एल्डिहाइड में इसको लिख सकते हैं प्रोपेनल डिहाइड। अब ऐसे सिचुएशन में इसको ZnHg के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl तो यहां से बनेगा CH3 CH2 और CH3 लेकिन यह जो है पुअर यील्ड देगा। तो इस केस में जो है हम यहां से एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं एल्डिहाइड गिव्स मोर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो फिर नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन जो होगा इसको लिखेंगे बाय उल्फ किसनर रिडक्शन रिएक्शन। यहां से लिख सकेंगे कि यह जो उल्फ किसनर रिडक्शन रिएक्शन है इसमें भी रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग होगा और यहां पर भी जो है जो कार्बोनाइल कंपाउंड जो है इस कार्बोनाइल कंपाउंड का जब हम रिएक्शन कराएंगे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ तब यहां से एल्केन का प्रिपरेशन होगा। लेकिन अब जो है सो यहां पर पहले हम लोग डेफिनेशन जान जाते हैं या क्या ये कहता है। तो यहां से लिखेंगे इवेन कार्बोनाइल कंपाउंड व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विथ
when carbonyl compound reacts with reducing agent, NH2 और भी इसको लिख सकते हैं N2H4 in the presence of C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल to give alkane. This reaction is suitable for preparation of alkane from aldehyde and ketone. दोनों जो है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से यह जैसो प्रिपरेशन हम लोग करते हैं एल्केन का, मतलब यह उल्फ किसना रिडक्शन रिएक्शन जो है यह अप्लीकेबल है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से जैसो बेटर प्रोडक्ट मिलता है, जबकि इसके पहले हम लोग क्लिनेंसेंस रिडक्शन रिएक्शन की बात किए तो उसमें भी रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि दोनों के दोनों रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में हो रहा है, लेकिन अब इसमें दोनों में जो है सो रिड्यूसिंग एजेंट जो है सो डिफरेंट होता है, दोनों का मीडियम जो है सो डिफरेंट होता है, उसमें जो है सो कॉन्क HCl लेते थे और इसमें जो है इथाइल अल्कोहल हम ले रहे हैं, उसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ZnHg लेते थे, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में NH2 ले रहे हैं, N2H4 ले रहे हैं, तो यानी इस स्थिति में, लेकिन यह जो है इसके पहले जो हम लोग बात किए थे कि क्लिनेंसेंस रिडक्शन रिएक्शन ओनली एंड ओनली सुटेबल फॉर कीटोन, लेकिन यहाँ पर जो है यह एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से एल्केन का प्रिपरेशन होगा और दोनों जो है इम्पोर्टेंट, मतलब दोनों के लिए जो बेटर प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन क्लिनेंसेंस रिडक्शन जो है ओनली अप्लीकेबल था वह जैसो कीटोन से एल्केन के प्रिपरेशन के लिए, तो यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जैसे R C डबल बॉन्ड और R, अब इसको जो है यहां से लिख सकते हैं NH2 इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां से क्या बनेगा RCH2 और यहां पर यानी कि एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह से यदि मान लिया जाए कि हम CH3 C डबल बॉन्ड हो और CH3 लेते हैं, इसको भी जो NH2 और NH2 के साथ रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, तो यहां से क्या होगा यहां पर लिखेंगे CH3 और CH2 यानी CH3 यानी इसको जो है सो हम कहेंगे प्रोपेन। तो इस तरह से जो है ये इसके लिए जो है सो सुटेबल होगा। अब जो है इसी रिएक्शन में जो है सो हम लोग और भी एग्जांपल की बात करते हैं तो उसमें भी जो है सो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर यह रिएक्शन देगा। अब यदि मान लिया जाए कि हम लोग ले लें RCH2 और C डबल बॉन्ड हो H यानी एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड को भी जो है यदि हम लोग NH2 के साथ रिएक्शन करा दें C2H5OH के प्रेजेंस में तो यहां से बनेगा RCH2 CH3। इस तरह से यदि मान लिया जाए कि हम लोग ले लें pH C डबल बॉन्ड और CH3, इसको भी यदि NH2 और NH2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH तो यहां से क्या बन जाएगा pH और CH2 CH3। यदि मान लिया जाए कि pH CH2 और C डबल बॉन्ड OH ले लें तो इसको भी NH2
और NH2 के साथ रिएक्शन करा दें C2H5OH के प्रेजेंस में, तो यहां से PHCH2 और CH3 बन जाएगा। यदि मान लिया जाए कि हम इस तरह की बात करें कि यह जो कंपाउंड जो है अब इसको भी जो रिएक्शन करा दें NH2 के प्रेजेंस साथ C2H5OH के प्रेजेंस में, तो यहां से यह जो कंपाउंड जो बनेगा यह जो है एल्केन साइक्लो एल्केन देगा। तो इस तरह से जो है सो हमने दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात की है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है जो कि रिडक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड का, और इसमें दोनों में जो है सो डिफरेंट डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट की यूज करते हैं, और इसमें जो इसका मीडियम भी डिफरेंट होगा, लेकिन दोनों के दोनों जो है एल्केन के प्रिपरेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन क्लेवेंसेंस रिएक्शन में हमेशा याद रखेंगे कि केवल कीटोन से जो है एल्केन का प्रिपरेशन एक बेहतर प्रोडक्ट में देगा, एल्डिहाइड से बेहतर प्रोडक्ट में नहीं देगा। और इस उल्फ किशनर रिएक्शन रिएक्शन की बात यदि करते हैं तो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों जो है एक बेटर जो है सो प्रिपरेशन देगा एल्केन का। तो यानी कि हम यहां से जब भी हमको एल्केन का फॉर्मेशन करना हो और यदि कार्बोनाइल कंपाउंड यदि है तो हम ये जो है सो रिएक्शन को जो है सो हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर जो है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका और भी कुछ प्रिपरेशन लेकर। अभी हम लोग जनरल में थोड़ा प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इसके बाद फिर जो है सो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।